पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छजलैट प्रकरण में गुरुवार को सुनवाई के लिए मुरादाबाद आए विधायक अब्दुल्ला आजम ने कहा कि कई महीनों से बीमार व्यक्ति के खिलाफ पुलिस फर्जी मुकदमा दर्ज कर रही है, ऐसे कैसे न्याय मिलेगा। मुरादाबाद में लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि मुकदमे अब ट्रायल पर आ रहे हैं, ये मुकदमे भी भैंस बकरी चोरी के हैं, मुकदमों की सच्चाई सामने ना आ सके इसको लेकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि कोर्ट में गंज और कोतवाली पुलिस गवाहों को इशारा कर रही है, इससे न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। 5 महीने से मेदांता और बाद में गंगाराम अस्पताल में भर्ती हूँ, बीमार आदमी गवाहों को कैसे धमका सकता है। उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमे को लेकर वो अब सांसद समेत तमाम विधायक DIG से मिले और प्रार्थना पत्र सौंपा है, उम्मीद जताई है कि वो पत्र पर जांच कराएंगे। इस दौरान सपा सांसद डॉक्टर ST हसन, सपा विधायकों में नवाब जान, फहीम, कमाल अख्तर, समरपाल सिंह के अलावा सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान समेत तमाम सपाई मौजूद रहे। जिस तरीके से 3 साल पहले मुकदमों का एक तमाशा बनाया गया था, एक वही दौर दोबारा शुरू करने की कोशिश हुई है, उसी को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने आए हैं और ये कहने आए हैं कि इंसाफ मिले, क्योंकि नहीं मिलेगा तो मजबूरी है लोगों की कि लोग सड़कों पर आएं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। आपको नहीं पता कहाँ है? नहीं मैं आप नहीं नहीं लोगों को सब पता है, लोगों को सब पता है कहाँ है। अब क्या कर सकते हैं, जो आदमी इतना बीमार हो, अस्पतालों में रहा हो, आज भी जेरे इलाज हो, वो गवाहों को धमकाए, ये बात ना आपकी समझ में आएगी ना मेरे। तो हमारे साथ पुलिस प्रशासन का रवैया पिछले 3-3.5 साल में क्या रहा है, ये किससे छुपा है? हमारे साथ जो हुआ है वो किससे छुपा है? आप भी सच जानते हो, मैं भी सच जानता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा है कि हम जांच कराएंगे इसकी। अब देखिए चले कर रहे हैं, उसमें अदालत भी जाएंगे और अगर नहीं होगा तो भाई सड़कों पर भी आएंगे, क्या करें। जिस तरह से आप सभी लोगों को मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि आजम खान साहब क्यों कितना प्रेशराइज करा जा रहा है उनके ऊपर, वो मुकदमे जो बकरी चोरी, भैंस चोरी या मुर्गी चोरी के, उनके गवाहों को धमकाने का इल्ज़ाम लगा के एक और मुकदमा, 2 मुकदमे और लगा दिए गए। हम इसलिए आए हैं कि ये इसकी अच्छी तरह से जांच होने हो और इसके अंदर वो इंसाफ मिलना चाहिए आजम खान साहब को, जो पूरा हिंदुस्तान हमारे अधिकारियों से, सरकार से उम्मीद करता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।